टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल हाल ही में शमी की पत्नी हसीन जहां, बेटी आयरा उर्फ बेबो और वकील जाकिर हुसैन के साथ पुलिस सुरक्षा में रविवार को अपने ससुराल अमरोहा पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें ताला लगा मिला। और तो और, हसीन जहां ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए पुलिस को साथ लेकर सुबह 8 बजे शमी के पैतृक गाँव सहसपुर, जो की अमरोहा में है, और अपने ससुराल पहुंची। खबरों के मुताबिक मकान में ताला लगा होने के कारण उन्हें गांव से आकर वापस लौटना पड़ा। हसीन जहां ने मीडिया के सामने कहा कि मैं यहीं रहूंगी, चाहे मुझे जितना परेशान किया गया हो, लेकिन मैं ये रिश्ता किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे हक से बेदखल नहीं किया जा सकता। खासतौर पर हसीन जहां ने ये भी आरोप लगाया कि उनके आने से पहले जानकारी होने पर ससुराल वाले मकान पर ताला लगाकर कहीं चले गए। हसीन जहां मीडिया पर भी भड़की और कहा कि मीडिया को आकलन करना चाहिए कि उनके पति ने क्या गलती की है। उन्होंने कहा कि उनके पति के कहने पर मीडिया ने पति का साथ दिया है और हसीन जहां का साथ नहीं दिया। इसके पीछे पत्नी और एक औरत का दर्द है, इसको केवल आरोप कहकर इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवाद मार्च में सबके सामने आया था। हसीन ने अवैध संबंध रखने, मैच फिक्सिंग और उम्र के दस्तावेजों में हेराफेरी करने जैसे शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।